राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल राधे क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको युगल जोड़ी की ड्रेस बताऊंगी। उसमें मैं आपको पहले कृष्णा जी की ड्रेस का नाप बता देती हूँ कि कैसे लिया जाएगा। ये देखिए, मेरे कृष्णा जी को 6 इंच की धोती आती है। ये देखिए, मेरे कृष्णा जी की धोती का नाप 6 इंच है, जिसके लिए मैंने ये 2 पीस लिए है 6.5 x 6.5 इंच की। तो देखिए, मेरी लंबाई भी 6.5 इंच है और इधर से भी चौड़ाई भी 6.5 इंच है। 6.5 x 6.5 इंच के मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें एक इस साइड और एक इस साइड को छोड़कर इसको यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दूंगी। मैं यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क कर लूंगी और हल्की सी इसमें गोलाई दे लूंगी। ये देखिए, ये 2 पीस है। मैंने इसको गोल कर लिया है यहां से। ये देखिए, अब मैं इसी के नाप की ये आरकंडी कट कर लूंगी और यहां पर आरकंडी को रखकर इसके चारों तरफ कच्चा टाका लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने इसी नाप की आरकंडी कट कर ली है। दोनों पीस को हम अलग अलग ही करेंगे और इसके नाप की ये मैंने आरकंडी कट कर ली है और मैं इसके चारों तरफ यहाँ इसको कच्चा कर लूंगी, जिससे कि ये मेरा एक कपड़ा बन जाए। ये देखिए, ये मैंने जो धोती में ये आगे लगा हुआ होता है ये पटका सा, इसको बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा लिया है। ये मैं धोती से थोड़ा सा लंबा रखूंगी, इसलिए मैंने 7 इंच लिया है। थोड़ा सा सिलाई में भी चला जाएगा। तो ये 4x7 का कपड़ा लिया है मैंने धोती के बीच में लगाने के लिए। यहाँ पे ये इस तरह से जो लगता है। और इसकी चोली के लिए मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी चोली मैंने 12 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी ली है। इसकी चोली के लिए मैंने 2 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये 12 इंच लंबा। और ये मैंने पटका बनाने के लिए लिया है। इसके पटके के लिए मैंने भी 12 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा ही कपड़ा लिया है, यानी कि 2 पट्टी कट कर लेंगे हम 12x2 इंच की। और इसी के नाप की, इन सब के जो मैंने कटिंग बताई है, इन सब के नाप की हम आरकंडी भी कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सबकी ये आरकंडी कट कर ली और इसको हम पीछे अस्तर के रूप में लगाएंगे। आप चाहे तो अस्तर भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कच्चा कर लिया है। इस चारों तरफ मैंने कच्चा कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी अपने कपड़े को, ये गोलाई एक दूसरे के सामने आनी चाहिए इस तरह से। और इस गोलाई पर मैं यहाँ पर दो साइड, ये इस गोलाई पर यहाँ पे दो साइड में मैं लेस लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें कंट्रास्ट लेस ली है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग लेस ले। देखिए, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से करके यहाँ पे लेस लगा लूंगा। आप चाहे तो इस पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके दोनों तरफ लेस लगा लिए गोलाई में। अब हम इसको बनाएंगे तो इसमें हम पहले पेस्ट डालेंगे। जो ये इसको हम इस तरह से रख लेंगे दोनों गोलाई के हिस्से को सामने हमने, और इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस वाली साइड की तो हम इस साइड से प्लेट भरेंगे इस तरह से करके। हम थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट भरेंगे इसमें। ये देखिए, मेरी 3 प्लेट्स आई। और इस वाली साइड की हम इस तरफ से प्लेट भरेंगे। इन प्लेट्स का मुंह इधर को होना चाहिए, इन प्लेट्स का मुंह इधर को और इन प्लेट्स का मुंह इधर को, इस तरह से करके। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, जब मैं अपनी प्लेट्स भर लूंगी तो ये
इधर इसका मुंह तो इस तरफ है और इन इन प्लेट्स का मुंह इस तरफ है, इस तरह से होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे भरी जाएगी ये प्लेट। ये देखिए इस तरह से इसकी प्लेट्स का मुंह हमें इधर की साइड करना है, ऐसे लेंगे इसमें हम थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट भरेंगे और इस तरह से करेंगे इस तरह से। दूसरे पीस में हम प्लेट्स का मुंह इधर की साइड लेंगे, देखिए इसमें हमने उधर की साइड लिया है तो इसमें हम इधर की साइड ऐसे इधर भी हम तीन प्लेट्स लगा देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे और बीच में एक के ऊपर एक रखकर 2 इंच तक सिलाई लगा लेंगे। इसलिए इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे गोल हिस्से को और यहाँ पे हम लगभग 2 इंच तक अपनी सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक साइड का हिस्सा लेंगे, ये जो हमारी जहां से हमने प्लेट भरनी शुरू करी थी वहां एक तरफ ये लेस है हमारी और एक तरफ ये प्लेन हिस्सा है, यहां से पकड़ेंगे कपड़े को और इस पे प्लेट्स लेंगे चौड़ी चौड़ी, इसी कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे चौड़ी चौड़ी प्लेट्स लेंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। ये देखिए ये हमारी 4 प्लेट्स आई, इस तरह से करके हम यहाँ पे सिलाई मार लेंगे अपनी। देखिए 4 प्लेट्स लगाकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसा ही हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको फिर बताती हूँ, ये एक साइड हो गई है मेरी, तो मैं दूसरी साइड बताती हूँ आपको। इस किनारे को पकड़ा, एक ये लेस वाला है और एक ये प्लेन है, इसको प्लेन वाली साइड को पकड़ा, इसके ऊपर हम यहाँ से एक प्लेट यहाँ रख लेंगे बना बना कर, फिर एक और बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे, इस तरह से करके हम अपनी 4 प्लेट्स बनाकर और इन, क्योंकि कॉटन कपड़ा है तो एकदम सेट हो जाता है, अब इस पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए धोती की शेप आ गई है इसमें। ये देखिए जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमारी धोती की शेप आ जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर धोती की शेप आ गई है। अब हम इसका जो बीच का हिस्सा है वो तैयार कर लेंगे, ये हमारी पूरी कमर बन गई। ये देखिए हमें ये धोती के बीच का हिस्सा बनाना है ना, इसके लिए जो मैंने आपको ये 4x7 इंच का कपड़ा बताया था उसके हम 2 साइड और इसके नीचे मैंने अस्तर भी लगा लिया है। ये आप अस्तर भी लगा सकते हैं, मैंने अलकंडी का यूज किया है। इसके 2 साइड में ये लेस लगा लूंगी, एक इस साइड और एक इस साइड। ये देखिए मैंने इस पे 2 तरफ लेस लगा लिए। अब हम इसमें इस तरह से प्लेटें भरेंगे, जो जिधर हमारी लेस नहीं है उधर से इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख देंगे अनफिनिश्ड हिस्से के ऊपर और एक प्लेट और रख देंगे इस तरह से करके। फिर हम इसको अपने बीच
वाले हिस्से पर रखकर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा लंबा बनाया है, आप चाहे तो इसको छोटा भी बना सकते हैं। मैं इसको ठाकुर जी के, अपने कृष्णा जी के पैरों के बीच में को निकालूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा बनाया है। अब आप चाहे तो इसको जितनी हमारी धोती है 6 इंच उतना भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसको जहां ये बीच में हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ऐसे रखकर और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। फिर हम अपना टिश्यू रिबन लेंगे और उसकी इस तरह से फोल्ड, ये मैंने 1.5 इंची का टिश्यू रिबन लिया है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके पहले इसकी थोड़ी सी डोरी बना लेंगे जिससे ये शुरू में बन जाए, और फिर इसके बीच में आधा रिबन इस तरफ और आधा इस तरफ रखकर हम अपनी धोती पर इस तरह से लगा लेंगे, और लास्ट में भी हम थोड़ी सी डोरी बना लेंगे इस तरह से यहां तक। ये देखिए, मैंने इधर भी डोरी छोड़ दी और इधर भी, और बीच में इसमें सिलाई लगा ली। देखिए, और जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये, इसको हम आयरन कर लेंगे तो ये सेट हो जाएगा। देखिए, हमारी धोती परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसको हम इस तरह से पहना के पीछे कान्हा जी के बांध देंगे। अब मैं इसकी चोली और दुपट्टा बता देती हूँ कैसे बनेंगे। इनका दुपट्टा है, इसमें मैं नीचे थोड़ा सा ये देखिए, ये नीचे 2 इंच का जितना हमारा है इसमें थोड़ा सा हिस्सा में टेट्रोन लगा दूंगी, जितना ये हमारा हिस्सा है इस पे थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा दूसरी साइड लगाकर मैं इस पे अपनी लेस लगा लूंगी। इसको बस, ये मैंने कपड़ा लिया, फिर मैंने अरकंडी का कपड़ा लिया, अरकंडी के कपड़े के नीचे मैंने ये टेट्रोन रखकर और मैं यहाँ पर लेस लगा लूंगी, जितनी आपको चाहिए लेस, 2 लेयर या 3 लेयर जितनी चाहिए आपको। दुपट्टे को जितना शो पीस करना है आपको, सुंदर बनाना है, उतना बनाकर और फिर मैं इसके यहाँ किनारे पर ये टिश्यू रिबन लगा लूंगी। पहले आप लेस लगाएं फिर टिश्यू रिबन लगाएं, इससे किनारे अच्छे से हो जाएंगे। देखिए, आधा रिबन ऊपर आधा रिबन नीचे रख के फिर इसको हम इस तरह से लगा देंगे। अब मैं आपको इसकी चोली बता देती हूँ। चोली के लिए भी मैंने ये 12 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया था। इसके मैं नीचे मैंने उतनी ही बड़ी आरकंडी कट कर ली है, इसके भी दोनों साइड में ये टिश्यू रिबन लगा लूंगी। ये देखिए, इस तरह से आधा नीचे आधा ऊपर कर ये मैं इसके इधर भी और इस साइड भी ये टिश्यू रिबन लगा लूंगी, और बीच में मैं इसमें एक सुंदर बनाने के लिए इसको एक भी ये अपनी पट्टी इस लेस की भी लगाऊंगी, बीच में लगा लूंगी इसको। ये देखिए, मैंने इसका दुपट्टा तैयार कर दिया, दोनों साइड मैंने लेस लगा ली, इसमें दोनों साइड मैंने पीछे बुकरम लगा दी थी। देखिए, मैंने चोली के लिए इधर भी टिश्यू रिबन लगा लिया, इधर भी, और बीच में मैंने ये अपनी लेस लगा ली है। अब मैं इस पट्टी को बिल्कुल हाफ कर दूंगी, इस तरह से हाफ रखेंगे और इसको बीच में से हाफ करके इसको कट कर लेंगे। अब मैं इसमें चोली को ये एक साइड से ये 1 इंच तक इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रख के और यहाँ पर 1 इंच तक सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीच में 1 इंच तक सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो ये हमारा बंद वाला हिस्सा है इसके ऊपर इस तरह से खुले वाले हिस्से को रखकर हम आर्म होल बनाएंगे, तो आधा इंच तक हम इधर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही इधर बंद वाले हिस्से के ऊपर खुले वाला हिस्सा इस तरह से रखकर हम यहाँ पर आधा इंच तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से रखकर ये हमारे आर्म्स होल बन जाएंगे।
बंद वाले हिस्से के ऊपर खुला वाला हिस्सा इस तरह से रख के, ये बंद वाला हिस्सा है हमारा आगे वाला, इसके ऊपर हम ऐसे खुले वाला हिस्सा रखते हैं। देखिए ये हमारी आम सॉल बन गए। ये हमारी, अब हम टिश्यू रिबन लेंगे। ये देखिए एक टिश्यू रिबन लेंगे, इसकी हम पहले थोड़ी सी तनी बना लेंगे। इसके लिए इसको टिश्यू रिबन को मैं पहले थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। फिर मैं अपनी चोली को इस तरह से रखूंगी इसके ऊपर। इस टिश्यू रिबन को आधा हिस्सा नीचे और आधा हिस्सा ऊपर इस तरह से रख के मैं सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, और बाद में भी थोड़ी सी तनी बना लूंगी इसकी, जैसे मैंने शुरू में बनाई है इसको बाद में भी सिलते चले जाएंगे। देखिए थोड़ी सी हम इसकी तनी बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए ये इस तरह से पीछे बन जाएगी। और देखिए हमारी ये धोती, इसके ऊपर चोली और इनका दुपट्टा कृष्णा जी का, देखिए बहुत सुंदर लगेगा ये बनकर। धोती जितनी भारी दिखती है उतनी है नहीं बनाने में, बहुत इजी है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अब मैं आपको राधा जी का लहंगे की कटिंग बताती हूँ।